होते हैं तो इन दिनों में बहुत सारे सनस्क्रीन ट्राई कर रही हूं एंड इनका रिव्यू भी आप लोगों को बैक टू बैक देखने को मिलेगा इस सनस्क्रीन को यूज करते हुए मुझे डेढ़ से दो महीने हो गए हैं आई थिंक इसको लॉन्च हुए तीन चार महीने हो गए होंगे एंड इस सनस्क्रीन के बारे में भी मैंने अपने चैनल पर कई बार बात की है लेकिन एक जो डेडिकेटेड रिव्यू होता है वो मैंने नहीं किया है किसी स्किन केयर वीडियो में या किसी मेकअप वीडियो में मैंने अप्लाई किया होगा तो बात की होगी तो मैंने सोचा कि ये परफेक्ट टाइम है सनस्क्रीन को रिव्यू करने का काफी टाइम भी हो गया है इसको यूज करते हुए एंड अभी मैं इसके बारे में हर चीज अच्छे से बता सकती हूं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं इस सनस्क्रीन के बारे में सारी चीजें कवर करने वाली हूं सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स मूव ऑन टू इट ऑल राइट right तो जिस सनस्क्रीन के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ वो है ये टर्मा को अल्ट्रा लाइट जिंक मिनरल सनस्क्रीन फॉर यू वी एंड यू वी बी प्रोटेक्शन जिसका प्राइस है 699 जिसमें आपको मिल जाएगी फिफ्टी ग्राम्स की क्वॉंटिटी एंड इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो टू ईयर्स की है कुछ इस तरह की कार्डबोर्ड की आउटर पैकेजिंग में आपको ये रिसीव होगी और इसकी जो इनर पैकेजिंग है वो इस तरह की ट्यूब है सारी की सारी डिटेल्स आपको इसके आउटर पैकेजिंग एंड इसके इनर पैकेजिंग दोनों के बैग पर मिल जाएगी लाइक इसकी इंग्रीडियंट लिस्ट मैनुफैक्चरिंग डेट इसको कैसे यूज़ करना है एवरीथिंग बात करूं अगर मैं इसके मेन इनग्रीडियंट की तो इसमें ट्वेंटी जिंक ऑक्साइड है जो कि आपको हाई प्रोटेक्शन देने में हेल्प करती है इसमें है, जो कि इसकी बेटर स्प्रेटेबिलिटी में हेल्प करती है एंड ये जो सनस्क्रीन है इसमें आपको एसपीएफ 50 के साथ पी ए थ्री टाइम प्लस की प्रोटेक्शन मिल जाएगी एंड ये सनस्क्रीन ऑयल फ्री है तो मतलब नॉन कॉमेडोजेनिक है इसको किसी भी स्किन टाइप के लोग यूज कर सकते हैं आराम से एंड ये जो सनस्क्रीन है ये वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट है एंड इसमें व्हाइट कास्ट नहीं है ऐसा इसमें कहा गया है बाकी हम बाकी चीजों को देखेंगे बाद में व्हाइट कास्ट है या नहीं है प्लस ये, ये फ्रेगरेंस फ्री है, है वह फ्रेगरेंस फ्री होते हैं इनमें किसी भी टाइप का कोई भी हार्मुल केमिकल नहीं होता है लाइक सल्फेट पैराबीन मिनरल ऑयल या सिंथेटिक डाई और यही रीजन है कि मुझे डर्माको के साथ काम करने में काफी अच्छा फील होता है कि मैं यू you नो know, जिस uh, ब्रांड के साथ काम कर रही हूं के जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफी क्लीन होते हैं। वैसे ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ठीक है एंड अब बात कर लेते हैं इसके कलर कंसिस्टेंसी एंड टेक्सचर के बारे में तो इसका जो कलर है वो बिल्कुल व्हाइट है एंड इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी थिक एंड क्रीमी है आप देख सकते हैं थोड़ी सी थिक एंड क्रीमी है लेकिन वो बिल्कुल यू you नो know, जो लोशन वाला होता है थिकनेस वो नहीं है एंड ये आप देख सकते हैं अच्छे से स्प्रेड हो जाती है बट इसको थोड़ा सा टाइम लगता है सिंकिन होने में मतलब इसको थोड़ा सा टाइम लगता है स्किन में सिंकिन होने में एंड जब एक बार इसको अप्लाई करोगे तो आपको हो सकता है कि लगे इसमें वाइट कास्ट है लेकिन इसमें वाइट कास्ट नहीं है एक बार अप्लाई करते टाइम आपको थोड़ा सा वाइटनेस फील हो सकती है लेकिन जैसे ही आप इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से ये स्किन में मर्ज हो जाएगी एंड यू नो विद इन थर्टी सेकेंड या यू नो फिफ्टी सेकेंड में इसकी जो वाइटनेस है वो बिल्कुल चली जाएगी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से मेरे स्किन में चली गई है अब इसमें बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं है ठीक है एंड इसका जो टेक्सचर है ना वो जो यू you नो know, सनस्क्रीन का जो वो सिलिकन वाला टेक्सचर होता है जो बहुत ही स्मूथ वाला टेक्सचर होता है वैसा नहीं है एंड ये जो सनस्क्रीन ये मुझे काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड फील होती है एंड थोड़ी सी थिक लगती है मतलब थोड़ी सी थिक लगती है एंड काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड एंड यू नो इसको लगाने के बाद स्किन आपकी बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज फील होगी एंड Uh, you know... मुझे ऐसा लगता है इसको लगाने के बाद तो मुझे मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं पड़ती कितनी बार मैंने बिना मॉइस्चराइजर के इसको लगाया है तो यू you नो know, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है और अब इस सनस्क्रीन को मैं अपने फेस पे भी अप्लाई करके दिखा दें अच्छा ये जो सनस्क्रीन है इसको ब्लेंड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है ट्वेंटी टू थर्टी सेकेंड लेती है पूरी तरह से स्किन में मर्ज होने में एंड लगाने के बाद आपको हल्का सा वाइटनेस भी फील होगी बट वो भी थर्टी टू फोर्टी सेकेंड में गायब हो जाती है पूरी तरह से कुछ लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि मैम व्हाइट कास्ट तो दिख रही है भी आप ऐसे बोल रहे हैं बट मैं आपको बता दूं कि कुछ सनस्क्रीन होती हैं लगाने के बाद हल्का सा वाइट फील होगा लेकिन वो थोड़ी देर में गायब हो जाता है बट जिस सनस्क्रीन में 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 एक्चुअल वाइट वाइट कास्ट होता है 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 वो आपकी स्किन स्किन को बहुत ज़्यादा डल दिखाती है, वाइट दिखाती एंड अगर मार्क्स वगैरह हैं तो उसको भी ज़्यादा प्रोमिनेंट कर देती है लेकिन आप देख सकते हैं इस सनस्क्रीन को लगाने के बाद मेरी स्किन कितनी ज्यादा हेल्दी एंड हाइड्रेटेड दिख रही है और अब बात कर लेते हैं कि किस किस स्किन टाइप के लोग इसे पसंद करेंगे और किस किस स्किन टाइप के लोगों को हो सकता है ये सनस्क्रीन ना पसंद आए वैसे तो ये सनस्क्रीन जो है ऑल स्किन टाइप है लेकिन यहां पे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूं अगर आपकी स्किन ऑयली है कॉम्बिनेशन है नॉर्मल है ड्राई है तो आप इसको बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं लेकिन अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली ऑयली है 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 मतलब तो बहुत ज़्यादा आप कोई भी भी लाइट प्रोडक्ट लगाते हैं तो तो आपको वो लगता है, तो हो सकता है ये सनस्क्रीन आपको उतना ज्यादा पसंद ना आए लेकिन अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है तो आप इसको बहुत ज्यादा पसंद करने वाले हैं क्योंकि ये जो सनस्क्रीन है आपकी स्किन को बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड दिखाएगी एंड मॉइस्चराइज रखेगी स्किन ग्लो रहता है बहुत ही हाइड्रेटिंग लगी मुझे ये सनस्क्रीन एंड ये जो सनस्क्रीन है ये आंखों में बिल्कुल भी नहीं लगती है तो अगर आपकी आंखें सेंसिटिव है तो भी आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं और अगर आप प्रेग्नेंट हैं या यू you नो know, फीडिंग वगैरह करवा रहे हैं तो भी आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं एंड दैट्स इट आई थिंक अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछोगे मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगी अगर कुछ मुझसे मिस हो गया है तो ठीक है एंड अगर आपको इसे ट्राई करना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या आप ऐसे भी परचेज कर सकते हैं ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉसर वीडियो नहीं है बट फिर भी स्क्रीन पे कूपन कोड लगा दूंगी उसको अप्लाई करने के बाद अगर आप डर की वेबसाइट से परचेज करेंगे तो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना बगल में एक छोटा सा बेल बटन बना होगा उसे जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालू तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें मिलती हूं मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर